हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एडुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम फैफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का सेक्शन ए का पार्ट टू कवर करें। मतलब सेक्शन जो ए है, जो सेक्शन ए है, सबके लिए कॉमन और कंपल्सरी है। सो इसके फर्स्ट 25 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, और आज जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेक्शन ए में आपको 50 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कितने एमसीक्यूज? 50 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये जो सेक्शन है वो कॉमन सेक्शन है, तो हर एक डिफरेंट इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम होंगे। फैक्ट प्लस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2002 का डिफरेंट है, वो मैं बाद में सॉल्व कराऊंगी। फैक्ट फैक्ट प्लस के लिए नई प्लेलिस्ट बन गई है, तो जितनी भी चीज़ें हम फैक्ट फैक्ट प्लस के लिए कवर करने वाले हैं हमारे इस चैनल पे, वो सारी की सारी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। अगर वो प्लेलिस्ट आपको ढूंढनी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं। सो फर्स्ट 25 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और वो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो क्लासेज हैं वो अवेलेबल है फॉर फैक्ट प्लस एंड फैक्ट 2024। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इलेक्टिव की और सेक्शन ए की भी साथ में, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोर्स के साथ साथ आपको एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है। सो डिस्काउंट कूपन जब आप लगाओगे तो फीस में आपको 500 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। सो फ्लैट डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन लगाना नहीं भूलना है, और सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जब ये यूज कर लेंगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर अवेलेबल नहीं होगा। सो डोंट फॉरगेट, बी फर्स्ट 50 स्टूडेंट एंड यूज द कूपन एसैप। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं डायरेक्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या पूछ रहा है? सी ए बी कैब शैल अप्लाई टू रिन्यूअल ऑफ एक्रेडिएशन ऑफ एन ए बी एल एटलीस्ट मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी ऑफ एक्रेडिएशन। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो एन ए बी एल है, नेशनल बॉडी की एक्रेडिएशन प्रोवाइडिंग अथॉरिटी है। सो डिफरेंट एक्रेडिएशन एन ए बी एल प्रोवाइड करता है। सो कैप की जो रिन्यूअल एक्रेडिएशन की होती है वो कितने मंथ पहले होनी चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स पहले आपको क्या करना पड़ता है? एक्सपायरी डेट के 6 मंथ्स पहले आपको एक्रेडिएशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ताकि आपका जो एक्रेडिएशन है वो रिन्यू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ए पी एल ए सी स्टैंड्स फॉर। सो ए पी एल ए सी स्टैंड्स फॉर एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी ऑडिट कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिएशन कोऑपरेशन, अमेरिका पैसिफिक लेबोरेटरी ऑडिट कोऑपरेशन एंड अमेरिका पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिएशन कोऑपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिएशन कोऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं ए पी एल ए सी, एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिएशन कोऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मिरर इज टू रिफ्लेक्शन एज वाटर इज टू। तो यहाँ पे आपको एनालॉजी पूछी है, जैसे कि मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट। तो वाटर क्या करेगा? कंडक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन या इमर्जन। सो रिफ्रैक्शन करेगा, क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा। मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो वाटर क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम पढ़ते हैं ना, वही सेम रिफ्रैक्शन है यहाँ पे भी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका साइंस से नहीं है, ये क्वेश्चन आपकी एनालॉजी से, रीजनिंग से आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अ प्री असेसमेंट विजिट ऑफ अ सी ए बी इज ऑर्गेनाइज बाय द अपॉइंटेड बाय एन ए बी एल। सो कौन सी अथॉरिटी रहेगी एक्रेडिएशन के लिए? देखो, जब कभी भी कोई एक्रेडिएशन या रिन्यूअल होने वाला होता है ना, तो उसकी चेकिंग के लिए कुछ अथॉरिटीज जाती है पर्टिक्युलर प्लेस पे, एंड वो सारी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करती है, एंड देन फिर रिन्यूअल होता है या एक्रेडिएशन मिलता है। तो किसे अपॉइंट करते हैं? लेड डायरेक्टर, लीड ऑब्जर्वर, लीड टेक्नीशियन और लीड एसेसर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, लीड एसेसर, जो सारी चीज़ों को एसेस करेगा एंड इसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि एक्रेडिएशन को आपको रिन्यू करना है, नहीं करना है, एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अ पैर इज अ मेजर दैट इज कंप्यूटेड फ्रॉम एनालाइज डाटा।
पॉपुलेशन डाटा, सैम्पल डाटा या फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो कोई भी पैरामीटर, चाहे वो कैसा भी पैरामीटर हो, ये आपके रिसर्च में भी बहुत काम आएगा अगर आप फ्यूचर में कभी रिसर्च करोगे। सो कोई भी पैरामीटर है, अगर वो कंप्यूट किया जाता है तो किस डाटा पे कंप्यूट किया जाता है, एनालाइज डाटा पे, पॉपुलेशन डाटा पे, सैम्पल डाटा पे या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पे। सो बेसिकली पॉपुलेशन डाटा इज द मोस्ट रेलिवेंट एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिस पे आप क्या करते हो, जिस पे आप कंप्यूट करते हो अपने पैरामीटर्स को, ठीक है ना। आप पॉपुलेशन डिसाइड भी तो करते हो कि किस पॉपुलेशन पे पैसे के लिए आप डाटा कलेक्ट करने वाले हो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। जब कभी भी आप ऑब्जर्वेशन से मैक्सिमम वैल्यूज या मिनिमम वैल्यूज के बीच का डिफरेंस देखते हो तो वो क्या कहलाता है, एवरेज, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन या डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको ये पता है वो रेंज कहलाता है। जब कभी आप मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को क्या करोगे, माइनस करोगे या उसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा, उसका रेंज पता लगेगा। दैट्स वाई ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक वॉक्स 20 किलोमीटर नॉर्थ, ही टर्न्स लेफ्ट एंड देन वॉक्स 40 किलोमीटर्स, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, हाउ फार इज ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। तो ये भी आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी वॉक इसने करी। सो सबसे पहले क्या वॉक करी है, वॉक करी है दीपक ने नॉर्थ की साइड पे। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लो, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। सो क्या दीपक वॉक्स 20 किलोमीटर नॉर्थ, तो किस साइड पे मूव हुआ दीपक, 20 किलोमीटर्स नॉर्थ। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 20 किलोमीटर्स, ठीक है, 20 किलोमीटर्स नॉर्थ की साइड पे उठा रहा है। देन ही टर्न्स एंड वॉक 40 किलोमीटर्स, सो किधर लेफ्ट टर्न हुआ। तो आप अपनी आपको दीपक की जगह रखो, आपका फेस किस साइड होना चाहिए, नॉर्थ की साइड होना चाहिए, मतलब इस साइड होना चाहिए। और आप फिर कैसे टर्न करोगे, लेफ्ट टर्न करोगे। तो अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपका राइट साइड इधर है, लेफ्ट साइड इधर है, तो आप लेफ्ट साइड पे टर्न करोगे। तो लेफ्ट किधर हुआ, इधर हुआ लेफ्ट, ठीक है। इधर कितना मूव हुआ, 40 किलोमीटर्स, ठीक है। एक सिर्फ ओवरऑल आइडिया ले लो, 30 किलोमीटर लेफ्ट की साइड पे वॉक हुआ। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर्स, तो कितना वॉक किया उसने, फिर से लेफ्ट। आप इस साइड पे आ जाओ, है ना, जिस साइड आ रहे हो उस साइड अपने आप को फील करो, आप खड़े हो और अब आप लेफ्ट राइट डिसाइड करो। तो लेफ्ट किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो मैं वापस से कितना, 20 किलोमीटर। ये दीपक फिर से 20 किलोमीटर्स किस साइड, दीपक फिर से, ये दीपक फिर से लेफ्ट की साइड पे 20 किलोमीटर्स चला। इसके बाद क्या हुआ, ही अगेन फाइनली ही मूव्स 20 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजिशन। तो ये कितनी दूर फिर से चला, ये फिर से चला 20 किलोमीटर्स, किस साइड पे, लेफ्ट की साइड पे। तो फिर से किस साइड हुआ लेफ्ट, फिर से इस साइड ही लेफ्ट हुआ। और ये कितने किलोमीटर्स चला, ये 20 किलोमीटर्स ही चला। अब ये बताओ हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजिशन, अपनी स्टार्टिंग पोजिशन से ये कितनी दूर है। आपके पास है ऑप्शन 40 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स एंड 20 किलोमीटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर्स कैसे आया, देखो यहाँ पे सबसे पहले 20 किलोमीटर चला, ये 20 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अभी जो 40 किलोमीटर्स है इसमें से 20 किलोमीटर्स तो इसने कवर कर लिए, बचा कितना, रेस्ट ऑफ द 20 किलोमीटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रेस्ट ऑफ द 20 किलोमीटर्स, ठीक है। सो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सैम्पलिंग इन एनी पॉपुलेशन स्टडी इज कंडक्टेड बिकॉज इट इज बायस्ड, टाइम इफिशियंट, एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट, ठीक है। जब कभी भी आप सैम्पलिंग करते हो पॉपुलेशन में, वो किस बेसिस पे करते हो, आप ये चाहोगे कि आपकी जो सैम्पलिंग है वो टाइम इफिशियंट हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, अपनी सैम्पलिंग, अपनी पॉपुलेशन को डिसाइड करते हो। दैट्स वाई ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिक्स मीन्स द चांस दैट इज गिवन इवेंट विल नॉट ऑकर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द गिवन डाटा सेट, द चांस दैट द गिवन इवेंट विल ऑकर, एवरेज दैट द टोटल नंबर, ठीक है। तो आपको ये पता है प्रोबेबिलिटी में क्या होती है, हर एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है। आप फॉरेंसिक साइंस के फील्ड से अगर हो तो प्रोबेबिलिटी की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी कि प्रोबेबिलिटी हर एक चीज़ की इक्वल ही हम मानते हैं, चाहे आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस ही क्यों ना हो, है ना। सो इसी वजह से ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। इवन मैथमेटिक्स में भी जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, सो आप ये मान के चलते हो कि हर एक इवेंट के होने के चांसेस 100% है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि हर एक इवेंट हो सकता है,
ठीक है, सो दैट्स वाई द चांस दैट द गिवन इवेंट विल ऑकर एट ऑल ऑफ द डिफरेंट सिचुएशंस इज प्रोबेबिलिटी मीन्स. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ICPMS स्टैंड फॉर. सो ये बहुत सिंपल सा एब्रीविएशन आपसे पूछा है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा. अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हो ना, फर्क नहीं पड़ता आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, आप फिजिक्स के बैकग्राउंड से हो, चाहे आप किसी लाइक बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, फॉरेंसिक के बैकग्राउंड से हो, आपको ICPMS का स्टैंडर्ड जो फुल फॉर्म है वो पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लैब टेक्निक है. इंडक्टिवली कूल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इंडक्टिवली कंडक्टेड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रो मीट्री, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इंडक्टिवली कलेक्टेड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीट्री. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीट्री. सो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ कपलिंग होती है एक प्लाज्मा की. सो इसमें हम हीट यूज़ करते हैं जिससे कि आपका जो सैम्पल है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्लाज्मा को फिर आप मास स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू एनालाइज करते हो. ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एनालिसिस का मेथड है ICPMS. बट इसमें फॉरेंसिक के फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो आपका सैंपल ना जब प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथडोलॉजी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट क्लोज टू अ ट्रू वैल्यू इज नोन एज एवरेज एरर, प्रिसाइज और एक्यूरेट. सो द करेक्ट आंसर इज एक्यूरेट. ठीक है, बहुत सिंपल सा था, ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है इसमें. द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द नियर आर द डाटा पॉइंट्स, हाउ नियर आर द डाटा पॉइंट्स फ्रॉम द रेंज, हाउ नियर आर द डाटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन, हाउ फार आर द डाटा पॉइंट्स फ्रॉम द रेंज एंड हाउ फार आर द डाटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? हाउ फार द डाटा पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन. सो मीन से कितने ज़्यादा डेविएट हो गया है आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना डेविएटेड है, कितना स्टैंडर्ड मीन से अलग है, ये आप चेक करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि आपकी मिसिंग नंबर फाइंड करने की है. सो फाइंड द मिसिंग टर्म 125, 250, ब्लैंक एंड 400. तो इन दोनों डाटा सेट के बीच में कोई नंबर आना चाहिए 375, 200, 275 या 100 के में से एक, है ना. सो इस पे करेक्ट आंसर 375 लिखा हुआ है. सो ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है. आप में आपको आपको क्या करना है, इन गिवन नंबर्स के बीच में लिंक ढूंढना है और किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है ये आपको ढूंढना है, एंड आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. सो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस क्या है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, जॉयस्टिक. सो प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी डजंट हैव अ CFSL. सो कौन कौन सा नहीं है? ओ आई थिंक वी हैव मिसिंग ऑप्शंस हियर. यहाँ पे ऑप्शंस आपके मिसिंग हैं. सो आई विल रिकरेक्ट दिस क्वेश्चन, है ना. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन फुल ऑन कर दूंगी. मैं डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन फुल लिख दूंगी, उससे आप करेक्ट आंसर देख लोगे कि ऑप्शंस क्या है. बिना ऑप्शंस के हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. इसके अलावा भी मैं टेलीग्राम में भी ये फुल क्वेश्चंस पुट कर दूंगी, लाइक ये वाला क्वेश्चन नंबर 40 पुट कर दूंगी टेलीग्राम में, तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल जाएगा. सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड एसेलरेशन, एसेलरेशन एंड एसेलरेशन. सो आपको स्पेलिंग सही है कौन सी वो पता करना है. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर एसेलरेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर इज नोन एज कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मदरबोर्ड. सो मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करती है डिफरेंट अदर प्रोसेसर से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाउबर टेस्ट रिक्वायर्ड दैट द ट्रायल जज मेक द डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. द साइंस मस्ट बी वैलिड, द साइंस मस्ट बी हाइपोथेटिकल, द साइंस मस्ट बी रिगरस, द साइंस मस्ट बी सोशल. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भी साइंस आप यूज कर रहे हो इट मस्ट बी वैलिड. ठीक है, जिस भी तरीके की साइंटिफिक मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए, तब जाके आपका जो साइंटिफिक मेथड है, जो मेथडोलॉजी है, अगर कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कोर्ट में एक्सेप्टेड होगा. चूज द डिफरेंट वर्ड, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल. ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या है? ऑड वन आउट आपको करना है. सो फ्रॉग इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चन. क्यों भाई? क्योंकि ये सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं, क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड स्नेक. ठीक है, सो फ्रॉग नहीं है, इसलिए फ्रॉग इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द पेशेंट वॉज क्योर्ड मलेरिया. ठीक है,
सो इसको आपको करेक्ट है या नहीं ये पता लगाना है. ऑफ आएगा, फॉर आएगा, थ्रू आएगा, फ्रॉम आएगा. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑफ. द पेशेंट वॉज क्योर्ड ऑफ मलेरिया. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. NABL एक्रेडिटेशन सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विथ. तो किसके अकॉर्डेंस के साथ एस्टैब्लिश हुआ है? ISO IEC 17011 के एसोसिएशन के साथ ये आपका क्या हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है. और आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है. रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन सैम्पलिंग, प्रिसीजन सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रॉपर सैम्पलिंग. सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है. रैंडम सैम्पलिंग बोलो या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलो, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है कि हर एक के सेलेक्ट होने के चांसेस 100% है. अगर आपकी 100 लोगों की पॉपुलेशन है तो सब के सेलेक्ट होने के चांसेस 100% होंगे, या फिर रैंडम सैम्पलिंग में भी इन 100 में से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, मतलब हर किसी की प्रोबेबिलिटी 100% है सेलेक्ट होने की. इसी वजह से इसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलेंगे या फिर रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. हु इन्वेंटेड क्रोमेटोग्राफी? सो क्रोमेटोग्राफी किसने इन्वेंट करी थी? मिकाएल टी स्वेट या एम टी स्वेट, आप इसको इस तरीके से याद रखते हो. सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन. इन्होंने क्रोमेटोग्राफी इन्वेंट करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन डजंट इन्वॉल्व स्केचेस, एग्जिबिट ओपनिंग, नोट एंड फोटोग्राफी. सो एग्जिबिट ओपनिंग इन्वॉल्व नहीं करता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. आपको एग्जिबिट्स ओपन नहीं करने होते हैं, नोट, फोटोग्राफी, स्केचेस ये सभी इंक्लूडेड होते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट 2022 सेक्शन ए. द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑफ मोबाइल फेज इज लिक्विड, जेल, सॉलिड या फिर गैस. तो इसका बहुत ईजी करेक्ट आंसर है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. लिक्विड, ठीक है. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस क्या होता है? लिक्विड होता है. ओके. सो दिस इज द 50th क्वेश्चन एवरीवन. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. इफ दिस इज हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन की लिंक, कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास है स्पेशल कूपन जिससे उनको मिलेंगे फ्लैट 500 रुपीज ऑफ ऑन द फैक्ट एंड फैक्ट प्लस कोर्सेज. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अर क्लासेस एंड प्रिपेयर फॉर योर फैक्ट एग्जामिनेशन 2024. सी यू गाइज देयर इन द एप्लीकेशन एंड लेट्स कवर द सिलेबस एंड क्रैक फैक्ट टुगेदर. बाय एवरीवन. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.